दोस्तों महेशी रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं एकदम परफेक्ट और बहुत ही करारी आलू की कचौड़ी, क्योंकि आलू की कचौड़ी खाना तो सबको बहुत पसंद होता है लेकिन काफ़ी तामझाम होता है। कई बार कचौड़ी फट जाती है या बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से मैंने कचौड़ी बनाई है आपकी कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, ऑयल को काफ़ी कम एब्जॉर्ब करेंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और देखिए क्या बढ़िया सी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि कचौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। और ये देखिए क्या बढ़िया सा इसका साउंड है। तो चलिए फ्रेंड्स देर किस बात की है, झटपट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। और ये परफेक्ट गेहूं के आटे से कचौड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप जितना नॉर्मल गेहूं का आटा। आप जैसा भी आटा यूज करते हो, अगर थोड़ा सा मोटा है तो कचौड़ी और भी बढ़िया बनेगी। और उसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून जितनी अजवाइन, 1/2 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ले लिया है। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन ज़रूर डालें। और ये गया 1/2 टीस्पून जितना नमक। और उसके बाद बारी है मोइन डालने की। फ्रेंड्स आलू की कचौड़ी में आप मोइन एकदम देख कर डालें। जब हम नॉर्मल कचौड़ी बनाते हैं तो उसमें 1 किलो में 250 ग्राम जितना मोइन डालते हैं, लेकिन इसमें जब आप मोइन डालें सिर्फ 125 ग्राम डालें, यानी कि मैंने 2 कप जितना आटा लिया है और इसमें 4 टेबल स्पून जितना मोइन डाला है। आलू की कचौड़ी में मोइन थोड़ा सा कम लगता है। और ये देखिए परफेक्ट मोइन लगकर तैयार है। इस तरीके से हम बाइंड कर रहे हैं तो अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा है, ये बिखर जा रहा है, तो बस एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद बारी है इसका डो लगाने की, लेकिन उससे पहले 2 से 3 मिनट तक आप नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप ये कचौड़ियाँ गर्मियों में बना रहे हैं तो नॉर्मल पानी के साथ, अगर सर्दियों में ट्राई करें तो हल्के से गुनगुने पानी के साथ इसका डो लगाएं। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी लिया तो आपका डो थोड़ा सा गीला हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें सूजी नहीं डाली है। बस डो हमारा लगकर तैयार है, बस ऐसे ही रफली सा डो लगाइए, अभी मसलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथों को चिकना कर लीजिए, हल्का सा इस तरीके से लगा देते हैं। और अभी डो काफ़ी रफ सा लग रहा है तो हम इसे करीब 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और 15 मिनट में आटा अच्छे से फूल कर सेट हो जाएगा। आलू की कचौड़ी बनाने हैं तो अब मैंने ले लिए हैं ये उबले हुए आलू। बस जितना मैंने वजन में आटा लिया है बिल्कुल उतने ही आलू लिए हैं। और आलू उबालते हुए एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि आलू उबालें तो अच्छे से लेकिन ओवर कुक ना करें। तो आप देख सकते हैं जो आलू हैं वो कहीं से फटे नहीं हैं। अगर आप कचौड़ी बनाने वाले हैं तो आलूओं को सुबह ही उबाल दें जिससे वो पूरी तरह से ठंडे हो जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम गर्म आलू में मसाले मिलाते हैं, जैसे ही नमक वगैरह मिलाते हैं, तो वो थोड़ा सा गीला हो जाता है और उसे मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान में रखिए, एकदम आसान से तरीके से बनेंगी पर कचौड़ी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आप एकदम परफेक्ट कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप आलूओं को कद्दूकस करें, जिससे इसमें कोई चंक्स वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि चंक्स रहता है और जब हम कचौड़ी को थोड़ा सा बेलते हैं तो वो फट जाती है। और आप देख सकते हैं मैंने जो आलूओं को कद्दूकस किया है काफ़ी खिला खिला सा है क्योंकि आलू में मॉइस्चर बहुत ही कम है। अगर आपके चाहते हैं कि आपकी कचौड़ी की सेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी कि वो 2-3 दिन तक ख़राब ना हो, तो आप इसे भून लीजिए, वरना आप बिना भुने भी कचौड़ियाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर कचौड़ी भून कर बनाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस मैं तो इसे भूनने वाली हूँ, उसके लिए सिर्फ 1 टीस्पून जितना मैंने सरसों का तेल लिया है। बहुत ज़्यादा अगर आपने ऑयल ले लिया तो फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम रहेगी, जब आप उसे स्टफ करेंगे चिकनाई की वजह से वो आटे को अच्छे से स्टिक नहीं करेगी और पता चलेगा कि कचौड़ी अच्छे से आपकी तैयार नहीं हुई है, फट गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ एकदम बेसिक से मसाले डाले हैं, हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी हींग डाली, बिल्कुल 1 पिंच जितनी हल्दी डाली टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्चे, 1 टीस्पून जितना दरदरी सौंफ और 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया डाला। और ये डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला। और अब आ रही है मसाले को एकदम स्लो गैस पर करीब 30 से 40 सेकेंड भूनने की। बस 30 से 40 सेकेंड में मसाला बढ़िया सा भून जाएगा, बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी, तो बस उसी समय आप ये आलू डाल दीजिए। फ्रेंड्स अगर आलू उबालते हुए थोड़ी सी दिक्कत रह गई है तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहले हरा धनिया डाल दिया, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया, 1/2 टीस्पून डाल दिया अमचूर पाउडर। आप चाहें तो मसाले को अलग से भी तैयार कर सकते हैं और अगर ऐसे भी भून के बनाते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेंगी। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपने जब आलू उबाले हैं थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, या कई बार आलू होते हैं ना वो मार्केट से जब हम लाते हैं थोड़े गीले से होते हैं, यानी उसमें पानी का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ी सी सूजी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स होता है ना जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं
तो एक कटोरी में चार कटोरी पानी लगता है, तो बस एक से डेढ़ चम्मच सूजी आप डालेंगे और पानी इसमें आलूओं में जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छे से उसे सोक कर लेगी और आपकी जो स्टफिंग बनेगी एकदम ड्राई बनेगी। परंतु कोशिश करें उबालते हुए ध्यान रखें, बाज़ार से आलू लाते हुए ध्यान रखें, जिससे आपको आलू की कचौड़ी में प्रॉपर आलू का ही टेस्ट आए। और ये देखिए स्टफिंग बढ़िया सी भूनकर तैयार हो गई है। आप स्टफिंग को जितना अच्छा भून लेंगे आपकी कचौड़ी का टेस्ट भी बढ़ता जाएगा और साथ ही उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती जाएगी। और उसके बाद डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। और स्टफिंग को भी हमें करना है पूरी तरीके से कूल डाउन, क्योंकि अगर स्टफिंग गर्म हो रही और हमने इसे स्टफ किया तो क्या होगा, इसमें से भाप बनेगी जिससे आटा गीला हो जाएगा, और आटा गीला हो जाएगा तो फिर कचौड़ी को जब सेकेंगे तो उसके फटने के चांसेस हो जाएंगे। तो उसे कर लेते हैं पूरी तरीके से ठंडा और इतने इसकी कर लेते हैं बढ़िया सी मालिश। पहले तो हमने इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था, अब थोड़ा सा टाइम देंगे करीब 3 से 4 मिनट का। और 3 से 4 मिनट बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से आप इसे मुक्कियाँ लगाते हुए अच्छे से स्मूथ कर लें, जब तक इसमें बिल्कुल अच्छा स्मूथ ना हो जाए। काफ़ी लचीला सा आपका आटा तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें मोइन डाला है। और ये देखिए आटा काफ़ी बढ़िया से तैयार है। तो अब बारी है इसमें से इस तरीके से डो बॉल बनाने की। फ्रेंड्स आज जो हम कचौड़ियाँ बनाएंगे इसमें आपको बेलन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम इसे बिना बेले बनाएंगे। तो आप इसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से पेड़े नहीं बनाए, थोड़े छोटे छोटे से पेड़े बनाए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे एक बड़ा नींबू होता है बस उतने ही बड़े बड़े मैंने इसके बॉल बनाकर तैयार किया है। और इसी बीच हमारी जो स्टफिंग थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई सी स्टफिंग तैयार हुई है। तो अब बारी है जैसे हमने आटे के 2 बॉल बनाए थे उसी तरीके से हम इसके भी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप साइज़ देख सकते हैं कि मैंने दोनों करीबन इक्वल नाप में लिए हैं, क्योंकि जब हम कोई स्टफिंग वाली चीज़ बनाते हैं जब तक उसमें स्टफिंग का बढ़िया टेस्ट ना आए खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस अब बारी है इसे स्टफ करने की। तो सबसे पहले हम एक कटोरी बनाएंगे और कटोरी बनाते हुए ध्यान रखें कि बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा रहे और साइडें थोड़ी सी पतली रहे, क्योंकि ये सब इकट्ठा होकर कचौड़ी में ऊपर की तरफ आएगा। इसलिए पहले ही आप अच्छे से इसे स्टफ कर लें और अच्छे से दबाते हुए साइडें उठाते हुए बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लें। अगर आपने मोइन ज़्यादा डाला है तो जब हम सिक्योर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अच्छे से सिक्योर नहीं होगा, चिकनाई की वजह से वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा और कचौड़ी को जब हम डीप फ्राई करेंगे तो उसके फट सकती है। तो इसलिए आटे में भी मोइन बहुत कम डालें और साथ ही जब आलू की स्टफिंग तैयार करें उसमें भी आप जो तेल डालें वो बहुत ही कम डालें। और ये लीजिए हमारी एक और कचौड़ी बनकर तैयार है। और सिक्योर करने का तरीका आप देख सकते हैं कि कितने आराम से हमारा आटा अच्छे से स्ट्रेच हो जा रहा है और अच्छे से हमारी कचौड़ी सिक्योर हो जा रही है। और ये लीजिए एक और तैयार है। अगर आपको हथेली पर कटोरी बनाने में दिक्कत आती है तो एक और तरीका है जिससे आप कचौड़ी बना सकते हैं। उसके लिए बस आप एक डो बॉल लें और इस तरीके से उंगलियों के साथ आप अच्छे से इसे चारों तरफ इस तरीके से दबा लें जिससे इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और उसके बाद हाथ में उठाएं। और ये लीजिए हमारी एक और कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको लगता है कि ऊपर का जो आटा आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप उसे हटा सकते हैं, वरना उसके साथ भी बना सकते हैं। और ये लीजिए कुछ कचौड़ियाँ स्टफ होकर तैयार हो गई हैं। और अब बारी है इन्हें बेलने की। बेलने के लिए भी फ्रेंड्स आपको बेलन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना बेलन के ही बस आप उंगलियों के साथ सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा दबा दें और साइडों को हल्का हल्का दबाएं। ये देखिए एकदम खस्ता कचौड़ी जैसी हमारी कचौड़ी तैयार हो रही है। आपको इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है ना बहुत ही ज़्यादा मोटा सा रखना है। तो लीजिए कुछ कचौड़ियाँ बिलकर तैयार हुई, तो अब देर किस बात की है, सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, लेकिन ऑयल को एक बार चेक जरूर कर लें। इसके लिए छोटी सी मैंने गोली ली आटे की, वो डाल दी और वो आप देख सकते हैं कि इसमें खूब सारे बबल्स बन रहे हैं, तो यानी एकदम परफेक्ट हमारा ऑयल गर्म है। और इसको आप जो हमने ये छोटी सी गोली डाली थी इसे ज़रूर निकाल दें, वरना कई बार क्या होता है ये फट जाती है। तो बस अब जो बिली हुई कचौड़ियाँ थी जिसे हमने हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा चपटा सा कर लिया था, बस उसे भी सेक लेंगे। जितनी कचौड़ियाँ एक बार आराम से आप सेक पाएँ बस उतनी आप कचौड़ियाँ डाल दें। अगर आप दो दो कचौड़ियाँ करके सेकते हैं तो उसे सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और साथ ही उतनी क्रिस्पी नहीं होंगे, क्योंकि तरीका वही है। हलवाई वगैरह को आपने देखा होगा जब वो कचौड़ियाँ समोसे सेकते हैं वो बहुत सारे एक बारी में डाल देते हैं और काफ़ी देर तक सेकते रहते हैं, उसी की वजह से वो क्रिस्पी होते हैं। तो बस वही प्रोसेस हमें यहाँ करना है। फ्लेम को रखना है एकदम स्लो और उसके बाद आप एक इस तरीके से चम्मच ले लें और कचौड़ियों को ऊपर डालते जाएँ।
जिससे कचौड़ियाँ ऊपर से भी सिकती जाएंगी। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऑयल डालेंगे कचौड़ियाँ ऑयल पे फ्लोट करने लगेंगी, अच्छे से फूलने लगेंगी। और आप देख सकते हैं क्या लाजवाब से हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। फ्रेंड्स, आलू की कचौड़ी हो, दाल की कचौड़ी हो या मसाले की कचौड़ी हो, बस सेकने में आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दें, 7 से 8 मिनट तो आप ज़रूर दें, तभी आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी सिक पाएंगी। इसलिए फ्लेम को रखना है आपको एकदम स्लो। जब ये थोड़ी सी सिक जाए फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और ये देखिए क्या लाजवाब एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली और बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ियाँ तैयार हैं। तो इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और ये कर ली प्लेटिंग। फ्रेंड्स, इन कचौड़ियों को आप सिर्फ ऐसे ही खाइए, चाय कॉफ़ी के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेंगी। और ये साउंड सुनिए क्या क्रिस्पी सा इसका साउंड है, बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बनी हैं। इन कचौड़ियों को मैंने तो सर्व किया है फ्रेंड्स चटनी के साथ और साथ में हलवा स्टाइल बूंदी के रायते के साथ, मीठे दही के साथ भी ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। खीर के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। बाकी आलू की कचौड़ियाँ हैं, डीप फ्राई किया है लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑयल को काफ़ी कम एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि हमारा आटा एकदम परफेक्ट लगा था। स्टफिंग के लिए जो हमने आटा डो तैयार किया था वो भी एकदम परफेक्ट था। उम्मीद है फ्रेंड्स आलू की कचौड़ी बनाने का ये सिंपल सा एकदम परफेक्ट तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। साउंड से ही आपको अंदाज़ा पड़ रहा होगा कि हमारी जो कचौड़ियाँ बनी हैं वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई हैं। स्टफिंग एकदम कोने कोने तक गई है और बहुत सारी स्टफिंग है, तो चलिए एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया हमारी कचौड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स, अगर कचौड़ी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रहे, तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर पेज को भी लाइक कर दें।